पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग युवती को बंधक बनाकर 4 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। मामला गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव का है। युवती ने एसएसपी को आवेदन देकर बताया कि 13 जून की रात करीब 8:30 बजे सुस्ता टोक निवासी हरिओम कुमार उर्फ सत्या कुमार ने घर के मोबाइल पर फोन करके नौकरी देने वाले व्यक्ति से मिलाने की बात कहकर बुलाया। जब मैं युवक के बताए हुए जगह पर पहुंची तो वह मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर बेनिवाद ले गया। युवक सत्या ने कहा कि नौकरी देने वाले व्यक्ति मुजफ्फरपुर से दरभंगा जा रहे हैं, इसी क्रम में उनसे मुलाकात होगी, लेकिन वहां पहुंचते ही आरोपी अपने डेरा पर ले गया और रात भर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। लड़का बुलाया, मतलब वो दोस्त था, पहले से जानते थे उसको, तो बोला कि जी तुम घर से बाहर आओ, जो हम नौकरी के बात करना है। तो हम घर से बाहर गए पुल के पास बुलाने के लिए, तो वो पहले से वहाँ पे गाड़ी लगा के खड़ा था, हमको बोला कि चलो नौकरी दिलवाने वाला आएगा, मतलब दरभंगा से मुजफ्फरपुर आया है, बेनीबाद में आया है, तो हमको ले गया। हम बोले कि मम्मी को कॉल करते हैं, बोल देते हैं कॉल करके जो हम यहाँ आए, तो बोले नहीं नहीं तुरंत ही आ जाएंगे, जो चलो ना तुरंत ही आ जाएंगे, तो बताने वाली क्या बात है। तो हम उसके बाद गए उसके साथ बेनीबाद, तो बेनीबाद बोला क्या जो आने में लेट हो गई, जो नौकरी से के संबंध में बात करना था वो चला गया दरभंगा। तो बोले उसके बाद हम घर जाते हैं, चला गया, तो बोला नहीं नहीं हमको ज़बरदस्ती वो अपने रूम पे ले गया, उसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और शारीरिक संबंध बनाया, और उसके बाद बोला हमको डेरा धमका के उस रूम में बंद कर दिया। उसके बाद वो चला गया वो अपने घर। उसके बाद 16 तारीख को 6:30 बजे आया, हमको उल्टा सुलटा समझा के, और फिर हमारे साथ रिलेशनशिप बनाया, और फिर उसके बाद 17 तारीख हमको दूसरे रूम पे छोड़ के वो घर चला गया। तो मैं मम्मी को कॉल करके दूसरे रूम वाले आदमी से मोबाइल मांग के हम न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।